वट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द एक्शन एंड मूवमेंट हाउ मैनी पार्ट ऑफ द ब्रेन ब्रेन हैज़ थ्री पार्ट सेरिब्रम सेब्रम एंड मेड्यूला नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर यू ओपन अ बुक एंड बिगेन टू रीड आप एक किताब को खोलते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं यू सी अ बस कमिंग योर वे एंड यू नो टू यू मस्ट स्टॉप आप एक गाड़ी को अपनी तरफ आता देखते हैं और आपको पता है कि आपको रुक जाना चाहिए यू हेयर सम म्यूजिक एंड रिकोगनाइज द सॉन्ग आप एक म्यूज़िक सुनते हैं और उसे पहचान जाते हैं रिकोगनाइजिंग मीनिंग पहचान जाना यू सी थिंग हम चीज़ें देखते हैं हेयर डिफरेंट साउंड मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं टेस्ट फूड खाना चखते हैं एंड डिस्कवर्ड मैनी थिंगज्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू और अपने इर्द गिर्द की काफ़ी चीज़ों को दरियाफ़त करते हैं डिस्कवर्ड मीन दरियाफ्त करना

बट हाउ डू द आई नो वट दे सी लेकिन हमारी आंखों को कैसे पता चलता है कि उन्होंने क्या देखा है हाउ कैन द एयरटेल द डिफ्रेंस बिटवीन द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस एंड दैट ऑफ अ कार तो एक हमारे कान हमें कैसे बताते हैं कि यह आवाज़ इंसान की है या फिर गाड़ी की दिस ऑल इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ अवर ब्रेन ये सब कुछ पॉसिबल है हमारे दिमाग की वजह से विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम और उससे रिलेटेड जितना भी नर्वस वर्ल्ड अराउंड अस तमाम वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द जो है उसके बारे में हमें मालूम करवाती है नाउ वट डज इट लुक लाइक ब्रेन दिखता कैसा है इट लुक लाइक अ लार्ज ये एक बड़ा सा पिंकिश ग्रे, पिंक ग्रे कलर का वॉलनट मतलब अखरोट की तरह है बट इट इज़ मच बिगर देन अ वालट वॉल इज़ अ वेरी स्मॉल साइज़ वॉलट एक छोटे से साइज का होता है बट हमारा दिमाग उससे काफ़ी बड़ा है वट डज़ इट फील लाइक ये महसूस कहता हो कैसा होता है इट फील सॉफ्ट ये नरम है एंड स्क्शी स्क्विशी मतलब नरम भी है और साथ मसामदार गीला मसामदार मतलब इस पर छोटे छोटे सुराख हैं एंड हैज़ मनी फोल्ड और काफ़ी फोल्ड मतलब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है एंड क्रीज और लाइन हैं now here we will discuss the brain in detail what is the brain where it is found what is the function of brain how does it form theek okay? hai we will discuss in one by one the human brain is control center of our body hamari body ka control center hamara brain hai it control all our activities it is located inside our head ye hamari sari activities ko control karta hai और ये हमारे head के अंदर मतलब हमारे सर के अंदर है at the top of spinal cord जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है उससे अबव हमारा ब्रेन है एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल और हमारी स्कल मतलब खोपड़ी इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल ह्यूमन बॉडी ट्रिलियन लाखों की तादाद में सेल से बनी है द सेल ऑफ नर्वी सिस्टम आर कार्ड दी न्यूरोन्स और नर्वी सिस्टम के सारे सेल्स को हम न्यूरोन्स कहते हैं अबाउट हंड्रेड बिलियन नर्व सेल मेक दी ब्रेन हंड्रेड बिलियन नर्व सेल मिल के हमारा दिमाग बनाते हैं ऑल दी नर्व सेल लिंक टुगेदर टू कंट्रोल ऑल दी एक्टिविटीज़ और ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए द ब्रेन नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की भी सप्लाई की ज़रूरत होती है फूड की भी और इनफ स्लीप और मुकम्मल तौर पर नींद की भी ताकि वो अपने सारे काम दुरुस्त तरीके से कर सके